अल्कोहल्स, अल्कोहल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH। अल्कोहल्स वह ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, है ना। हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या, डैश OH, और यहां पर क्या जुड़ जाएगा, अल्काइल ग्रुप R अटैच टू अ कार्बन एटम। यानी अल्कोहल्स फंक्शनल ग्रुप का सिंबॉल होता है OH। मिथाइल अल्कोहल CH3OH, नेमिंग क्या होगा, पहले अल्काइल नेम देंगे उसके बाद अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल विच इज ऑल्सो नोन एज मिथेनॉल, जिसको हम लोग ऑल्सो क्या कहते हैं, मिथेनॉल, मिथेन, और लास्ट में ई की जगह पर OL, है ना। एंड इथाइल अल्कोहल C2H5OH को ऑल्सो हम लोग लिख सकते हैं इथेनॉल। क्लियर। एंड अल्कोहल इज एक्चुअली ए हाइड्रोक्सी डिराइवेटिव ऑफ एन एल्केन। अल्कोहल क्या है, एल्केन का हाइड्रोक्सी डिराइवेटिव है। सो एन अल्कोहल कैन बी सपोज टू बी डिराइव बाई द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन बाई अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप। अल्कोहल कैसे बनता है, जो अल्केन है जैसे कि मीथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाएगा, है ना, और उसकी जगह पर एक हाइड्रोक्सिड ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप को ऐड किया जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या, CH3OH, जिसे कहते हैं मिथाइल अल्कोहल, नहीं तो मिथेनॉल। देखिए अब हम लोग नेम करना है, IUPAC नेम देना है CH3OH का, है ना। तो CH3OH बना है किससे, CH4 मीथेन से। ये किससे बना है, मीथेन से बना है। मीथेन से एक हाइड्रोजन निकला है और उसके जगह पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके ऐड हो गया, तो बन गया क्या, CH3OH। और मीथेन से जब हम इसका नामांकन करते हैं तो METHANE में से ई को हटाएंगे, ठीक है ना। ये जो ई है इसे हम लोग हटाएंगे और इसके जगह पर OL जोड़ देंगे, यदि OH आ गया तो, है ना। तो नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम हो जाएगा मिथेनॉल, METHANOL, ठीक है। कैसे नामांकन किए, अल्केन जो होते हैं ALKANE, अल्केन जो है इसके लास्ट में क्या होते हैं, ई, अल्केन, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, ई को हटा देंगे और प्लस OL को जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा अल्कानॉल, अल्कानॉल। यही नाम हो गया आपका अल्कोहल ग्रुप का, है ना। तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया, मिथेनॉल। और इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे हो जाएगा, कार्बन के चारों तरफ चार डंडे, OH, H, 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 ये हो गए स्ट्रक्चर, जिसको कि हम लोग लिखते हैं क्या, CH3OH। और कॉमन नेम इसका होता है, IUPAC नेम देख लिए, कॉमन नेम, कॉमन नेम में क्या करते हैं हम लोग, पहले लिखते हैं अल्काइल, यानी अल्काइल क्या होगा, मीथेन का अल्काइल हो जाएगा मिथाइल, मिथाइल, और उसके बाद हो जाएगा सीधे लिख देंगे अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। जबकि IUPAC नेम में क्या करते हैं, मिथेनॉल। देखिए नेम द कंपाउंड C2H5OH बाई IUPAC मेथड, C2H5OH को नामांकन करते हैं IUPAC मेथड से। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, ये बना है किससे, C2H6 से, यानी किससे बना है, इथेन से बना है। क्लियर। तो इथेन से बना कैसे, एक हाइड्रोजन ग्रुप निकला और अल्काइल इसका ग्रुप बना C2H5, यानी इथाइल, इथेन से बना इथाइल, और उस इथाइल ग्रुप में इससे क्या बन गया, C2H5 बन गया, C2H5 बना, है ना, ये बन गया आपको इथाइल। अब इस इथाइल में क्या होगा कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होगा, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा क्या, C2H5OH। क्लियर, क्या हो गया, C2H5OH। इस तरह से इसका फॉर्मेशन हुआ है, यानी इसका IUPAC जो नेम होगा
वो कैसे होता है हम जानते हैं, अल्केन में ई हटा देना है और उसके जगह पर ऑल जोड़ना है, तो इथेन से क्या हो जाएगा, इथेनॉल, ई टी एच ए एन ओ एल, इथेनॉल। क्लियर, ये हो गया आईयूपीएसी नेम। लेकिन कॉमन नेम जो है उसमें क्या है, पहले हमको लिखना है अल्काइल ग्रुप इथाइल, और उसके बाद लिखना है अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। क्लियर, दिस इज द कॉमन नेम। लेकिन आईयूपीएसी नेम क्या है, इथेनॉल। स्ट्रक्चर इसका देखिए, खींचता हूं, दो कार्बन है, टू कार्बन, तो टू कार्बन डबल बॉन्ड, एक एक बॉन्ड से ये होंगे, और सभी कार्बन के चारों तरफ चार डंडे, डबल बॉन्ड नहीं होंगे क्योंकि इथेन से बने हुए हैं, और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बाकी सभी जगह हाइड्रोजन। ये हमारे को हो गया स्ट्रक्चर। अब इसी का देखिए कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर मैं दिखाता हूं, CH3CH2OH, ये हो गया कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर। और इसको हम लोग मॉलिकुलर फॉर्मूला में लिखते हैं क्या, C2H5OH, और IUPAC नेम क्या है, इथेनॉल, और कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल। ये कंपाउंड देखिए, नेम द कंपाउंड C3H7OH बाई IUPAC मेथड। चलिए आसानी से हम लिखते हैं, अब इसे बताने की उतनी जरूरत नहीं है। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, थ्री कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, है ना, प्रोपेनॉल। क्लियर, और कॉमन नेम बताइए, कॉमन नेम में क्या लिखे, पहले अल्काइल ग्रुप, यानी क्या हो जाएगा, प्रोपाइल अल्कोहल। तो आपसे कोई कॉमन नेम पूछेगा वो भी बता दीजिएगा, और IUPAC तो बताना ही है ना, प्रोपाइल अल्कोहल हो गया कॉमन नेम। स्ट्रक्चर कहेगा ड्रॉ करना, वो भी आप कर देते हैं, तीन कार्बन संतुष्ट करेंगे चार डंडे से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक जगह अटैच करेंगे, बाकी सेवन हाइड्रोजन। क्लियर, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2 OH, कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर हो गया। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सिंपल आपको दिया ही हुआ है, C3H7OH। प्रॉब्लम देखिए, एक प्रॉब्लम है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फोर्थ एंड फिफ्थ मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला CnH2n+1OH। चलिए सिंपल है, जनरल फार्मूला हमारे को दिया हुआ है CnH2n+1OH। कहने का अर्थ हुआ कि ये जो बना है ये कौन सा है, ये आपका अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, और अल्कोहल ग्रुप किससे बनता है, अल्केन से, है ना, अल्केन के हाइड्रोजन निकलते हैं और आपको उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं। तो हमें लिखना कौन सा है, फोर्थ मेंबर। तो फोर्थ मेंबर में अल्केन का फोर्थ मेंबर यानी C4 कार्बन 4 होगा, है ना, तो कार्बन 4 होगा तो हाइड्रोजन क्या होंगे, 2 × N 2 × 4+1OH, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे को, C4H 4 × 2 = 8, है ना, प्लस 1 क्या हो गया, 9, C4H9OH। क्लियर, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 4 कार्बन हो गया तो यानी हो गया मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटानॉल, ब्यूटानॉल हो जाएगा IUPAC नेम। नहीं पूछा है, मैं बता रहा हूँ। और कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम होगा ब्यूटाइल अल्कोहल, है ना, ब्यूटाइल अल्कोहल आप तो लिख सकते हैं, ये हो गया कॉमन नेम।
नेक्स्ट है हमारे को लिखना है फिफ्थ मेंबर, तो फिफ्थ मेंबर भी मैं आसानी से बना दूंगा, C5H2N+1 है ना, यानी डबल कर दूं, 5 to 10 हो गया और एक ऐड कर दूं तो 11, C5H11OH, क्लियर है। ये हो गया हमारे को फिफ्थ मेंबर, इसका IUPAC नेम क्या होगा, पेंटानोल, पेंटानोल IUPAC नेम, और कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम होगा पेंटाइल अल्कोहल। ये IUPAC नेम और कॉमन नेम क्वेश्चन में नहीं है, मैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कॉमन नेम, क्योंकि एग्जाम में थोड़ी है कि सेम क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। प्रॉब्लम टू, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द मॉलिकुलर फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर मासेज। चलिए इन चारों में हमारे, तीनों में ABC का मॉलिकुलर फॉर्मूला और मॉलिकुलर मासेज, ये दोनों का डिफरेंसेस निकालना, क्या डिफरेंसेज का है ना, डिफरेंस का मॉलिकुलर फॉर्मूला और मॉलिकुलर मास। इज देयर एनी सिमिलरिटी इन दीज थ्री, और अरेंज दीज अल्कोहल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन एटम टू गेट अ फैमिली, कैन वी कॉल दिस फैमिली ए होमोलोगस सीरीज। चलिए तो सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट काम करें कि मॉलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंसेस निकाल लें। ए ए में हमारे को है CH3OH एंड C2H5OH, इन दोनों का डिफरेंसेज अगर हम निकालेंगे तो OH से OH कट जाएगा है ना, OH से OH कट गया और एक C2 से C गया तो C बचा, H5 में से H3 घटा तो कितना बचा, H2। ये आ गया मॉलिकुलर फॉर्मूला, डिफरेंसेज का आ गया मॉलिकुलर फॉर्मूला, और इसका मॉलिकुलर मास कितना हो जाएगा, तो कार्बन का मॉलिकुलर मास है आपको कितना, 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना होगा, 1 × 2 दैट इज इक्वल टू 2 दैट इज इक्वल टू 14U। ये हो गया आंसर, फर्स्ट का हो गया। बी, बी में देखिए C2H5OH एंड क्या है C3H7OH, इन दोनों में सब्ट्रैक्ट कीजिए या बड़ा में से छोटा, तो OH से OH कटेगा और आपका 3 कार्बन से 2 कार्बन गया तो 1 कार्बन, 7 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन गया तो CH2। यहाँ भी हमारे को CH2 आया तो इसका भी मॉलिकुलर मास कितना होगा, 14U, 14 एटॉमिक मास यूनिट। सी, सी क्या है, C3H7OH एंड C4H9OH, ठीक है। चलिए इसको भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, लार्जर में से स्मॉलर को, 4 कार्बन में से 3 कार्बन गया कार्बन और 9 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन गया तो 2 हाइड्रोजन, CH2 सेम आया 12 + 2 14U। ये तो सब का सब क्या है, होमोलोगस सीरीज है ना, क्लियर हो रहा है, ABC तीनों होमोलोगस सीरीज है। इज देयर एनी सिमिलरिटी इन दिज थ्री, क्या इन तीनों में कोई सिमिलरिटीज है, तो यस है सिमिलरिटीज, आपका सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंसेज है एंड सेम मॉलिकुलर मासेज का डिफरेंसेज है, यस डिफरेंसेज ऑफ तीनों में एग्जांपल में डिफरेंसेज ऑफ मॉलिकुलर मास मास एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला आर सेम, सेम है, दैट इज होमोलोगस सीरीज है, सभी तीनों का तीनों जो है वो एग्जाम्पल हैं होमोलोगस सीरीज के। और क्या सिमिलरिटीज हैं, तीनों का तीनों जो है वो अल्कोहल ग्रुप है, ये भी लिख सकते हैं है ना, और कहता है अरेंज दीज अल्कोहल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन एटम्स, इंक्रीजिंग कार्बन एटम्स टू गेट अ फैमिली, तो अरेंज कर दें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, नंबर टू इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग कार्बन ऑर्डर, तो चलिए सिंपल है ये तो, और सिंपल है, सबसे कम कार्बन किस में है, CH3OH, सबसे पहले ये लिखिए CH3OH, उसके बाद क्या होगा हमारे को C2H5OH,
उसके बाद नेक्स्ट है हमारे को C3H7OH, उसके बाद नेक्स्ट है C4H9OH, और ये रेगुलर इंक्रीजिंग है, इसलिए ये सब का सब होमोलोगस सीरीज है, होमोलोगस सीरीज है ये चारों।